आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल में हम हिसारोंग के साथ में मानसिक रुग्णों को भर्ती करते हैं। दूसरा जो हॉस्पिटल है वहाँ हिसारोंग के अलावा मानसिक रुग्णों को भर्ती करते हैं। हमारे यहाँ पैनिक अटैक्स है, जैसा बहुत बड़ा डर लगता है, बहुत ज़्यादातर भय है, भयगंड है, या मरने का डर लगता है, सीने में धड़कन धड़ 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 हो रहा है, हाथ में कंपन आई हुई है, या पसीना बहुत आ रहा है, थरथरी ज़्यादा है, और ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँगा, ऐसा एक अटैक उसको आ जाता है। उसको डर है, रास्ता पार करने का डर, अकेले रहने का डर, बाहर जाने का डर, ऐसा डर है। या चिंता रोग है, बहुत लोगों को चिंता होती है भविष्य में क्या हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा निराशा है, उनको रिग्रेट आ रहा है, पश्चाताप आ रहा है कि भाई पीछे जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, मैंने ऐसा करना चाहता, वैसा करना चाहता, दुख होता है, रोना आता है, और उसमें फिर उनको मतलब काम करने में इच्छा नहीं होती, तो वो लोग है। फिर स्किजोफ्रेनिया जैसी पुरानी मानसिक बीमारी है, स्किजोफ्रेनिया जैसा छिन्न मानस है जिसको मन का कैंसर कहा जाता है, वैसे ही मैनिया, उन्माद या हर्षवायु है। फिर हिस्टेरिकल अटैक्स है, या फिट्स है, या हिस्टेरिया है, हिस्टेरिकल झटके आते हैं वो है। सिर में दर्द, माइग्रेन के अटैक्स, फिर कोई भी नशीले पदार्थों का व्यसन है, मतलब उसमें अलग अलग पदार्थ रहते हैं नशीले, जिसका व्यसन उसको लगता है, तो वो नशेखोर जो है या नशा है, उसकी व्यसन मुक्ति भी हम करते हैं। काफ़ी ऐसे पुरानी बीमारियां हैं कि जिनको वो पेशेंट को घर में रखने के लिए तकलीफ होती है, वो लोगों को हम ऐसा बोलते हैं कि उनको हमारे यहाँ ला के आप भर्ती कर सकते हैं। या जो प्रौढ़ नागरिक है जिनकी उम्र ज़्यादा हुई है, भ्रमिष्ट जैसा हुआ है, याददाश्त खो बैठे हैं, या कोई मतिमंद है, गतिमंद है, या कोई व्यसनी है, तो उनका इलाज लंबे समय तक यदि करना है या उनको लंबे समय तक रखना है तो हमारे यहाँ रख सकते हैं। रिश्तेदारों के अलावा हम लोगों को भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। समझो कहीं बाहर गांव जाने का है, घर में ऐसा मेंटल पेशेंट रखना कठिन है, या बुढ़ापा आया हुआ है, स्मृति भ्रंश है, जिसमें घर में अकेला नहीं रख सकते उसको, या ऐसी कोई बीमारियाँ हैं कि कोई मंगल कार्य है जिसमें उनको घर में रखना असंभव है, तो ऐसे इसमें वो हमारे यहाँ लाके, वो पेशेंट को हमारे यहाँ लाके रखते हैं और उनका इलाज हम करते हैं, उनको अच्छा करके घर भेज सकते हैं। तो ऐसे कोई लोग हैं कि जिनको नहीं रिश्तेदार उनके साथ में रह सकते हैं, तो ऐसी बीमारियाँ उनको हमारे यहाँ लोग लाके भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। इसमें बार बार हाथ धोना, बार बार वही विचार आना, अति विचार से मतलब प्रॉब्लम्स आना, या बहुत साफ सुथरा रखना, फिर मैंने पहले ही जैसा बताया कि फोबिया है, पैनिक अटैक्स है, या फिर अलग अलग प्रकार की मानसिक बीमारियां, जैसे कोई ऐसी बीमारी हो कि जिसमें बहुत ज़्यादा अग्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा वायलेंट कोई हो जाता है, या याद नहीं रहना। बच्चों में ये प्रॉब्लम होते हैं कि उनको कमजोरियाँ आती है, याद नहीं रहता, पढ़ाई याद रहती नहीं है, उनको स्कूल जाने में तकलीफ है, या बच्चों को बेड में बिस्तर में पेशाब होता है, या उनको कोई समस्या ऐसी होती है कि जिसकी वजह से उनको स्कूल फोबिया है, बच्चों में भी डिप्रेशन हो सकता है, तो ऐसी सारी बीमारियां जो है उसका इलाज हम करते हैं। ये इलाज के लिए लोग अभी तक हमारे यहाँ आते नहीं थे, बोलते थे कि नहीं नहीं ये जो है ना ये हम मेंटल नहीं हुए, हम पागल नहीं हुए, मगर लोगों में काफ़ी सारी जागरूकता आई है। साधा टेंशन भी दिमाग के ऊपर है, बहुत ज़्यादा लोड है, प्रेशर है, तो वो सहन होता नहीं, इसलिए भी हमारे यहाँ लोग आते हैं। काफ़ी सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें लगता है कि वो शारीरिक है, मगर एक्चुअली वो मानसिक रहती है, उसका इलाज जो मतलब उसका जो सोर्स है वो मानसिक है, जैसा बदन में दर्द है, फिर पूरे हाथ पैर में दर्द हो जाता है, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, और कोई कारण दिखाई देता नहीं है, कोई कारण मिलता नहीं है, वैसे इरिटेबल बॉवेल है, मतलब ढकार आना, फिर पेट में गैस हो जाना, लेट्रिन को ज़्यादा लगना, लेट्रिन को कम लगना, पेट में ऐसा गड़बड़ी हो जाना, पेट फूल जाना, या हिचकी लगना, उल्टियाँ होना, भूख नहीं लगना, ऐसे जो है गैस्ट्राइटिस, बहुत ज़्यादा मतलब जलन पेट में होना, और पेट इतना ज़्यादा फूल जाना कि वो सहन नहीं होता है, तो ऐसी जो है इरिटेबल बॉवेल है, उसके लिए भी उसका कारण भी मानसिक होता है, उसका इलाज भी होता है। तो ये सभी का इलाज हो सकता है, मगर लोगों को यही मालूम नहीं है कि ये सभी बीमारी का कारण मानसिक है, दिमाग में, ब्रेन में, भेजे में है, और उसका इलाज यदि आप दवाई से करते हो, काउंसिलिंग से करते हैं, कोई ऐसे सम्मोहन उपचार है हिप्नोटिज्म उससे करते हो, तो लोग अच्छा जीवन अपना जी सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादन क्षमता उनकी बढ़ सकती है, वो अपने लोगों के लिए काम में आ सकते हैं, वो वैवाहिक जीवन अच्छा जी सकते हैं,
तो ऐसे सभी लोगों को मालूमात होने के लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि लोगों में जागरूकता आ जाएगी, अपने देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। देश का एक भी इंसान बिना ट्रीटमेंट का नहीं रहना चाहिए हमारा लक्ष्य है। ले सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, यह हमारा संकल्प है। इसके लिए आप ज़्यादा लोगों को इसके लिए अवेयर करो, ताकि लोग अपना अपना इलाज करके हमारे देश को आगे बढ़ा लेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।